चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो किस तरीके से आपको रेडी होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने बात ले ली है, मैंने बहुत ही प्यारा सा प्रिटी पिंक कलर का ये सूट वेयर किया है। सबसे यहाँ पे अपने बालों को टाई करती हूँ, एज यू कैन सी जस्ट यहाँ पे मैंने अपनी हल्की सी मेबलिन की लिप बाम लगा रखी है और मंगलसूत्र आपको बिल्कुल भी नहीं उतारना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अपना चूड़ा पहना है कुछ इस तरीके से एंड अपने बैंगल्स पहन लिए हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ सारा दिन। ओके गाइस, कॉन्टैक्ट लेंसेज यहाँ पे मैंने वेयर कर लिए हैं और अगर इस दौरान आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑलवेज अपने कंटेनर जो है लेंसेज का वो कैरी करें, एज वेल एज लॉन्ग आप ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में लिक्विड भी आप अपने साथ कैरी कर लें। ओके, इट्स टाइम फॉर माई स्किन केयर। तो सबसे पहले फेस एंड नेक पे मैंने टोनर लगाया है, ये है एल्फ गुडनेस का, बहुत ही अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आता है। इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट भी रहती है सारा दिन के लिए, क्योंकि हमें इस तरह का मेकअप करना है कि हम सुबह कर रहे हैं और रात के टाइम भी अगर कोई हमारे घर आ रहा है तो हमारा चेहरा चमकता हुआ दिखना चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का 24 कैरेट सीरम और इसे फेस एंड नेक दोनों पर अच्छे से लगाए गए हैं इस तरीके से। फेस के साथ साथ इसको हम नेक पर भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा फेस काफ़ी सुंदर और ग्लो सा दिखे। दैट गाइज, मैं अपनी पिलग्रिम की यहाँ पे डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है और ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं फील होने देती। सो इस क्रीम की ये बेस्ट पार्ट है कि इससे स्किन बहुत ग्लोई रहती है। वो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा एस ऑफ बेस रिकॉर्ड का, ये प्राइमर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है और इवन इसको ना ब्राइडल्स पे भी यूज़ किया जाता है, लाइक अगर आपको पार्टी फंक्शन वाला मेकअप चाहिए। गाइस ये मैंने 750 समथिंग का मंगाया था, सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसको मैं इस तरीके से ना फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, इन पर जितने भी पोर्स हैं वो ब्लर आउट हो जाएंगे। फेस के साथ साथ आई प्राइमर भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और ये स्किन को काफ़ी अच्छा रखता है, स्मूथ टेक्सचर कर देता है, यू कैन सी दैट। ओके गाइस, फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग टू फाउंडेशन, फर्स्ट वन माय हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है ना तो डेफिनेटली आप ये वाला फाउंडेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका थोड़ा कम बजट है तो दिस वन इज माई फेवरेट, ये है हुडा ब्यूटी का। और सेकेंड आप मिलानी का ये यूज़ कर सकते हैं, 1100 कुछ का आएगा और ये करीबन 2400 या 3400 समथिंग का आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप स्पॉन्ज ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। ये मेरा शेड जो है डार्क है, इस वजह से मैं दो शेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे ये है वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों शेड्स मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरे को मेरा डिज़ायर कलर मिल जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको अपना यू नो फाउंडेशन शेड कन्फर्म नहीं है, आपने डार्क ले लिया है, तो उसमें कोई भी लाइट शेड आप मिला सकते हो। ओके, इससे पहले ना मैं मैक का अपना सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। जस्ट हल्का हल्का करना है, भर भर के नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप भर भर के प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका फेस ज़्यादा गोरा दिखेगा या फिर आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक स्टेप यहाँ पे भूल गई हूँ, तो मुझे अपनी अंडर आई पे ना कुछ इस तरीके से थोड़ा सा, ये देखो पिगमेंटेड एरिया है ये, तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे टाइम पर, हम सो नहीं पाते, ठीक है, घर में बातें चलती है बहुत सारी और ऐसे टाइम पे ना मतलब ये होता है हमारी नींद ख़राब होती है बेसिकली, जिससे हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पर्पल का एक करेक्टिव यूज़ कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेकआउट ज़रूर कर लेना। और एक और स्टेप आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है आप बहुत घर भर के प्रोडक्ट्स लगाओगे तो ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देन इसी में कंसीलर टाइप में एक शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पे। ओके, इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। नाउ व्हाट कैन आई डू, जो मेरा फाउंडेशन था ना जस्ट डैपिंग मोशन में मैं उसको भी ब्लेंड आउट साथ साथ करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप था मेरा कंसील करने वाला गाइस ये मैं भूल गई थी जल्दबाजी में, क्योंकि आई एम गेटिंग लेट और मुझे जब भी मैं लेट होती हूँ ना उससे तैयार होती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही रह गई हूँ तैयार होंगी।
गाइस कुछ इस तरीके से मैंने अपने फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। कंसीलर तो मैं मेडलिन का यहाँ पे फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से जस्ट हल्का हल्का प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिर इसको हाईलाइट करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आपके मेकअप को बिल्कुल चेंज कर देगी। फेस पे अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगा रहे हो उसको नेक पर भी ज़रूर लगाना, अदरवाइज बहुत गंदा लगेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा नायका का ही कॉम्पैक्ट पाउडर है, लेकिन मैंने शेड कैशनट ले रखा है तो ये डार्क हो जाता है एज अ कॉन्टोरिंग के लिए। आप किसी भी सस्ते से पाउडर में भी ऐसा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्टोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, आफ्टर दैट मैं इसको ब्लेंड आउट करूँगी जो कि बहुत सुंदर लगेगा। ओके, फर्स्ट अपने फेस को एक शार्प सा लुक दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से जो लाइन पे भी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ नोज़ पे एंड फोरहेड पे। ओके, आफ्टर दैट मैं अपना ब्लेंडर यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। के बाद में इन साइड का यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बनाना पाउडर है ये, और कॉन्टोर की और यहाँ पे स्पॉन्ज की हेल्प से एक शेप देती हूँ जिससे मेरी कॉन्टोर मुझे बहुत सुंदर सी शार्प सी लगे। इसे फेस और नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। साइज आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपने पाउडर को, क्योंकि ये जस्ट कुछ सेकेंड से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। है नाउ व्हाट कैन आई डू, मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया, इसको अच्छे से सेट करेंगे। गाइज इट्स टाइम फॉर ब्लश। तो मेरे पास शुगर का ही कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट है, 02 शेड है इसमें मेरा, एंड ये पिंक सा शेड मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इस तरीके से अपने ब्रश को मैंने पिक किया, देन स्माइल करते हुए इसे अपने आंखों पे चीक्स पे हम अप्लाई करेंगे। एड करने के बाद ना मैं यहाँ पर ब्लेंडर पिक कर रही हूँ अपना, और उसकी हेल्प से थोड़ा सा इसको मैं ब्रश कर रही हूँ। इसके किट यूज़ कर रही हूँ जीनियस किट, और ये है लॉरेल पैरिस की, तो इसे हम अपनी ब्राउज को शेप देंगे। सो गाइस इस तरीके से कुछ मैंने अपनी ब्राउज को सेट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप। तो मैंने अपना हुडा ब्यूटी का ये पैलेट लिया है, इसे रोज गोल्ड पैलेट ब्रांडिंग ब्रश में पिक कर रही हूँ, और फर्स्ट एक ब्राउन सा शेड मैंने लिया है क्रीज एरिया को अप्लाई करने के लिए। क्रीज एरिया को इस तरीके से डिफाइन करें। अगर आपकी नई नई शादी में ना घर भर के मेकअप प्लीज मत करना, बहुत ऑकवर्ड लगता है, करना जो नेचुरल लगे और लोगों को देख के ना आप बहुत अच्छे लगो, एक अट्रैक्टिव सा लुक आपको करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग भर भर के मेकअप कर लेते हैं जो कि सामने वाले को देख के ऐसा लगता है यार इसने कितना मेकअप पोत रखा है। ओके, नेचुरल लोगों के बहुत सुंदर लगोगे। देन एक पिंक सा शेड ले रही हूँ मैं जो कि मेरे सूट से मैच करेगा, और इसे इस तरीके से आईलिड पे मैं प्लेस कर रही हूँ। शुगर पॉप का तो इसमें दो कलर थे, एक ब्लैक था एक ब्लू था। मैंने यहाँ पे ब्लैक पिक किया है क्योंकि सारे अटायर्स के साथ जाता है। मिरर में यहाँ पे बड़े वाला ले रही हूँ लाइनर अप्लाई करने के लिए। गाइज कुछ इस तरीके से काफ़ी सिंपल सा हल्का सा वे निकाल के मैंने लाइनर लगाया है, बहुत ही थिन है, बिल्कुल भी थिक नहीं करना है यहाँ पे। मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट अपना मेकअप डन, देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये है मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा, वो बहुत अच्छा है, आप इसे अपनी ब्राइडल किट में ज़रूर रखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ब्राइडल किट, वो भी बजट वाला और एक्सपेंसिव वाला भी, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना, डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ब्रश ले ली है एंगल ब्रश, और यहाँ पे मैं एक गोल्ड सा कलर पिक कर रही हूँ, ये है बबली कलर, इससे भी ज़्यादा आसानी से होगा। एक बबली कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ।
वेरी सिंपल और बहुत क्यूट लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा। नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर। पेन ब्रश मैंने लिया डैप डैप करके जस्ट इस तरीके से नोज पे। हाइलाइटेड एरियाज पे बेसिकली इसको आपको अप्लाई करना है। फेवरेट परफ्यूम लगा रही हूँ तो ये है मोए बाय नाए का मैटिंग शेड है इसमें मेरा। ओके, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट स्टेप मैं लगा रही हूँ सिंदूर। यहाँ पे मैंने चिन्ना सा सिंदूर लगा लिया है एंड लास्ट मेरी लिपस्टिक रह गई है। तो फर्स्ट मैं इस वाली लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ये है फिजिशियन फॉर्मूला की द हेल्दी लिप लिपस्टिक एंड शेड है बियर विद मी। मुझे काफ़ी पसंद आ रही है आजकल तो मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ पहले। इसके बाद थोड़ा डार्क शेड अप्लाई करूँगी क्योंकि ये लाइट हो जाएगा काफ़ी। लास्ट में यूज़ कर रही हूँ नायका का ये है शेड नंबर 10। तो ये वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ इसके बाद अपने लिप्स पे। तो इट्स अ पिंकिश शेड में लिपस्टिक। हेयर स्टाइल में रखने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा। मेकअप यहाँ पे डन हो गया है। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कुछ चीज़ें अपनी वेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं एक अपना गोल्ड का नेकलेस वेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी सिंपल और अगर आपकी न्यूली शादी हुई है तो अपनी गोल्ड की चीज़ें पहन के रखना काफ़ी सुंदर लगती है। तो मैंने ये बेसिक सा अपना जो मेरा सबसे सिंपल वाला नेकलेस है वो यहाँ पे मैंने वेयर किया है। एंड आफ्टर दैट माय फेवरेट इयररिंग्स ये वाले गोल्ड के, मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बाद मैं पहन लूँगी इयररिंग्स। फाइनल मेकअप लुक आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।